दोस्तों नमस्कार। आज है 3 दिसंबर 2022 और आज के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करेंट अफेयर्स यूपीएससी यूपीपीएससी या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग, आपका ये सेशन सुबह मॉर्निंग में 7 बजे लाइव होता है, तो सभी लोग सुबह 7 बजे लाइव आना ना भूलें। और अगर लाइव आते हैं तो बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से लाइव सेशन में आप क्लियर कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहला बना हुआ है तो ये कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा? दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला का अभी कहाँ उद्घाटन किया गया, तो ये नई दिल्ली में। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि दिव्य कला का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। लेकिन अब ये दिव्य कला आखिरकार किसके लिए है, किसके विकास के लिए, किसके उत्थान के लिए या किसको मौका देने के लिए लाया गया है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यानी जो डिसेबल पर्सन होते थे इनको पहले क्या कहा जाता था, इनको विकलांग, इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें विकलांग कहा जाता था। लेकिन जो माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसी के बाद इस शब्द में बदलाव किया जाता है और विकलांग की बजाय अब इन्हें क्या कहा जाने लगा, दिव्यांग कहा जाने लगा। क्योंकि विकलांग जो शब्द है ये निगेटिव सेंस को दर्शाता था, निगेटिव सेंस दर्शाने की वजह से उनके साथ कई प्रकार का सामाजिक भेदभाव भी होता था। इसी जो सामाजिक भेदभाव हो रहा था उसी से बचने के लिए और समाज के लोगों का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो, इसीलिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, दिव्यांग। और दिव्यांग का मतलब है कि जिनका शरीर का यानी प्रत्येक अंग अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, किसी ना किसी अंग में क्या है यानी कुछ ना कुछ कमी जरूर है, तो उसी को क्या कहा गया, दिव्यांग। अब आपका क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि एक आम आदमी की भांति जो दिव्यांग जन होते हैं इनका जीवन नहीं होता, इन्हें कई प्रकार की सामाजिक, सबसे ज़्यादा तो इनका जो समस्या इन्हें झेलनी पड़ती है वो सामाजिक स्तर पे, इसके अलावा पैसे रुपये आत्मनिर्भरता की भी इन्हें समस्या होती है यानी इकोनॉमिक समस्या। तो इनके पास अपने खुद का कुछ ना कुछ आप देखिएगा इनके अंदर जरूर क्या होता, दिव्य यानी दिव्यता छिपी होती है। इसी दिव्यता को निखारने के लिए उनके अंदर जो कुछ ना कुछ स्किल जरूर होती है, तो उस स्किल का प्रयोग करते हुए उनको मौका दिया जाए, पहले छोटा सा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाए, अगर उनके अंदर वो स्किल उभर कर आता है, निखर कर आता है, तो इन्हें जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को आप देखते हो उनके साथ भी एक क्या कर सकते हैं, यानी उनके साथ भी क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और वहाँ पर भी इनको रोजगार मिल सकता। लेकिन अब यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिरकार इनकी शुरुआत कौन करेगा, तो भारत सरकार सामने आई, कहा कि हम ही शुरुआत करते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए यानी दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। ये पहली बार हुआ है कि इसका आयोजन कर्तव्य पथ, और ये कर्तव्य पथ कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है। तो अभी तक आपने समझ चुके हो कि आखिरकार ये दिव्य मेला, जो दिव्य कला मेला है, ये किसके लिए है। अब हम बात करते हैं कि अब जाहिर सी बात है कि इसमें दिव्यांग जन को, दिव्यांग जनों के उत्थान के लिए है, उनके सशक्तिकरण के लिए है, तो मंत्री कौन आ जाएगा, यानी इसके कौन, तो मंत्री जो सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री हैं यानी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उनके द्वारा इस दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत इसका उद्घाटन हो रहा, ये भी आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है। तो याद रखिए, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, क्यों, कौन सा मंत्रालय है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। आप पूछेंगे कि सर बताइए कि इसमें क्या होगा, तो इसमें मौका दिया जाएगा कि किनको, जो दिव्यांग जन है, तो इसमें दिव्यांग जन को मौका दिया जाएगा कि उनके पास जो हुनर है उस हुनर के जादू को, मैजिक को, हुनर के जादू को क्या करें, इस दिव्य कला मेला में प्रदर्शित करें। और इसके लिए मौका एक कितने राज्यों को, तो 22 राज्यों के कम से कम यानी
200 से ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, 22 राज्यों के 200 से ज्यादा यानी जो दिव्यांग है उनको ये मौका दिया जा रहा है। तो इसका आयोजन कब के बीच होगा, तो 2 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2022 के बीच इसका दिव्य कला मेला का आयोजन हो रहा है। उद्देश्य इसका क्या है, तो आपको उद्देश्य अब समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर लिखा भी है टू प्रोवाइड ए बिग प्लेटफॉर्म टू दिव्यांग, तो दिव्यांग आर्टिसन यानी जो दिव्यांग कलाकार हैं इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, ताकि जो इनमें आत्मनिर्भरता आ सके, क्या आ सके, आत्मनिर्भरता आ सके। अभी ये दूसरों पर जो आश्रित हैं, जिसकी वजह से इनके जो जीवन दिव्यांग जनों का जीवन है वो नरकी जीवन होता है और इन्हें कई प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। तो इनमें जब आत्मनिर्भरता होगी, क्योंकि प्रत्येक दिव्यांग जन में कुछ ना कुछ जरूर हुनर होता है, तो हुनर का इनका जो जादू है वो जादू आके बोले, और वो मौका कहाँ मिले, वो मौका दिलाने के लिए ये कौन सा दिव्य कला मेला का आयोजन दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कर रहा। अब अगला दूसरा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आखिरकार इसमें जो पैसा लगेगा, वित्तीय सहायता, ये वित्तीय सहायता कौन देने वाला है, क्या सरकार पूरा पैसा लगाएगी? जी नहीं, जो वित्तीय सहायता मिलने वाला है जिसे फाइनेंशियल असिस्टेंस के नाम से जाना जाता, ये किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा? तो यहां पर कुछ माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्तीय संस्थान सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि आप दिव्य कला मेला का आयोजन करिए और समाज के जो दिव्यांग भाई हैं इनको अपना हुनर है उसके जादू को यानी दिखाने का आप प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाइए, और जो भी पैसा वैसा लगेगा हम इसमें आपको फंडिंग करने वाले हैं। तो कौन है, तो ये यहाँ पर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है जिसे सूक्ष्म वित्तीय संस्थान के नाम से जाना जाता, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमने तरीका आपको क्या बताया, यहाँ देखो NH और उसके बाद फिर ये लास्ट वाला पकड़ लीजिए FDC, यानी FDC इसमें भी, FDC इसमें भी, FDC इसमें भी, तो तीन को एक साथ हम याद रखेंगे FDC, यहाँ पर FDC ऐसे लिख लीजिए। अब ये क्या है, नेशनल हाईवे, इसको मान लीजिए नेशनल हाईवे पे बस चलाना, तो नेशनल हाईवे से यहाँ B से हो गया बस, और ये यस यहाँ का उठा लीजिए, यानी नेशनल हाईवे पर बस चलाना क्या होता, आसान होता है, तो बस चलाना आसान होता है, तो एक संस्था यहां से आपकी बन गई, और सबके साथ फिर क्या लगा देना FDC, यानी NHFDC, अगला है NBHDC, अगला है कौन NSDC, और लास्ट वाला अब आपका ये बचा कौन वाला, इसको अलग से याद रखिएगा NSKDFC, ये चार यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है जो इसमें मदद करने वाले हैं। तो ये आपका क्या हो चुका होगा, यहाँ तक अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसमें कौन, तो हमने तरीका आपको बताया नेशनल हाईवे पर बस चलाना आसान होता है, तो हमने कहा कि पहला कौन हो गया FDC, सब में ध्यान रखना लगाना है, यानी NHFDC, इसमें भी FDC लगेगा, FDC एक ये हो गया, यहाँ भी यानी B से क्या हो गया NBFDC, यहाँ भी N इसमें भी आगे लगेगा NSFDC, तो तीन यहाँ से याद हो गए, और लास्ट में NSKDFC, तो चार ऐसे माइक्रो वित्तीय संस्थान हैं जिसमें सामने आए। कितना एलोकेशन फंड का किया गया, तो लगभग 495 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया, और इससे कितने, तो ये 5 लाख जो ट्रेनी है इनको क्या है इसके अंतर्गत यानी क्या मिलने वाली है, ट्रेनिंग प्रदान की जाने वाली है, और यह सभी के लिए मेला, ये नहीं कि जितने भी सभी लोग आइए, जो दिव्यांग जन है वो तो वहां पर अपना हुनर दिखाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो अन्य लोग हैं वो भी समाज के वहां मेले में जरूर उपस्थित हो, मेले में जाइए, और इसमें जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं कौन दिव्यांग कलाकार, उनके प्रोडक्ट को आप लोग क्या पहले देखिए, अगर समझ में आया तो उसको खरीदिए, अगर आप खरीदते हैं तो इसमें दिव्यांग जन भाई को एक अलग से मौका देते हैं, और इस प्रकार ओकल फॉर लोकल की जो भारत सरकार की प्रयास है वो भी आगे बढ़ता जाएगा, और सभी को अपने स्वदेशीकरण को आगे बढ़ावा देने के लिए और समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान व विकास के लिए जरूर इस मेले में जाना चाहिए, और यहाँ जो दिव्यांग जन भाई अपने प्रोडक्ट बनाए हैं उनको जरूर खरीदना
चाहिए और उनको प्रमोट भी करना चाहिए। तो ये आपका आप ऐसे एग्जाम्पल जब भी सामाजिक न्याय वाला टॉपिक आए कि सामाजिक आपका पेपर थर्ड में आपका सामाजिक न्याय टॉपिक है सोशल जस्टिस, तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि आखिरकार समाज के जो वल्नरेबल सेक्शन हैं, सुभेद वर्ग हैं, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है। तो उसी में एग्जाम्पल जब देंगे तो वहाँ बताएंगे कि जैसे हाल ही में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में क्या किसका आयोजन किया गया, दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है, जो किसको दर्शाता, ये दर्शाता है कि सरकार कितनी कंसर्न है किसके लिए, दिव्यांग जन के उत्थान व विकास के लिए, या समाज के जो वल्नरेबल वर्ग हैं, क्लासेज हैं, ग्रुप्स हैं, उनके हितों को आगे ले जाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो वहां पर जब एग्जांपल आप देते हैं तो जरूर आपका आंसर क्या होता है, मॉडिफिकेशन आपके आंसर में होता है। अगला एक टॉपिक है कंप्लीट हुआ, अब आप इसका जहाँ जहाँ जरूरत हो निबंध में इसका प्रयोग करिए भाई। करेंट अफेयर्स का पढ़ने का मतलब है कि उसका आपका मल्टीपल जगह यूज करना आना चाहिए। प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और प्रीलिम्स के अलावा जो क्वेश्चन आप फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है, सोशल इश्यूज वाले जो मुद्दे हैं वहाँ पर भी इस एग्जाम्पल को डाल सकते हो, निबंध में भी डाल सकते हो, जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है वहाँ पर डाला जा सकता है। तो ये मकान जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ आप इसको इस एग्जाम्पल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेटेस्ट से लेटेस्ट जब एग्जाम्पल के साथ चीजों को कोरिलेट करते हो तो आपका आंसर भी दूसरों से एक तो अलग होता है और दूसरा वैल्यू एडिशन भी और सब्सटेंशिएट भी होता, ये भी पता चलता है कि आप अपने ज्ञान को क्या कर रहे हो, आसपास के पर्यावरण से आप इंटीग्रेट भी कर पा रहे हो। और आज के प्रशासनिक जो अधिकारी की जरूरत भी इसी चीज की है कि वो अपने ज्ञान को केवल दिमाग में ही ना रखें बल्कि आसपास की चीजों के साथ को रिलेट भी कर पाए। अगला जो दूसरा टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाएगा, और इस टॉपिक का नाम क्या है, यानी टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता, बैकवर्ड क्लास, यानी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसे हिंदी में क्या कहा जाता, पिछड़े वर्ग के लिए कौन सा आयोग, तो ये कौन सा आयोग, राष्ट्रीय आयोग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय आयोग, जैसे आपको इसके पहले बताए थे नेशनल कमीशन फॉर एससी यानी अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एसटी सेट यानी अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये दो आयोग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज चूंकि ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये आपका चर्चा में इसलिए बना क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष साहब है वो क्या उनकी नियुक्ति की गई है, जिनका नाम क्या है, तो जिनका नाम श्री हंसराज गंगा राम अहिर, श्री हंसराज गंगा राम अहिर इसके क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। इसलिए एक बार फिर से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज ये चर्चा पर चर्चा का विषय बना। तो हमें ये प्रीलिम्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में ये मेंस में आपके जो स्टेट्यूटरी व कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक व सांविधिक आयोग आपके सिलेबस में लिखा हुआ वहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तक इसके पिछले वाले अगर डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं यकीन मानिए प्री में तो आपको क्वेश्चन मिलने ही वाला है, बहुत सारा क्वेश्चन हम मेंस का भी साथ में कवर यानी करते हुए चलते हैं। अब इसमें जो ये पहले इनकी हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं, जो अभी अध्यक्ष साहब ये बने हैं कौन, तो हमने कहा अहिर, कौन अहिर, तो आप गंगाराम अहिर साहब, तो ये आपका हंसराज गंगाराम अहिर इसके अध्यक्ष बने, तो ये क्वेश्चन पूछेगा। अगला ये कहा आगे देखिएगा, अगर ये पूछा जाता है इनका संबंध कहाँ है, कहाँ से है, तो ये चंद्रपुर महाराष्ट्र, और ये पेशे से ये क्या है यानी एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित, कृषि से क्या रखते हैं ताल्लुक रखते हैं, और ये चंद्रपुर से ही
चंद्रपुर से ही कितनी बार, एक दो नहीं चार बार एमपी रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं, और जो स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की होती है उसके सदस्य के साथ साथ यानी मेंबर भी रह चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी के कई स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य रहे हैं, साथ में ये अध्यक्ष रहे हैं किसकी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन कोल एंड स्टील, कोयला और स्टील से संबंधित जो संसदीय समिति होती है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इसके बाद 2016 लोकसभा में ये रसायन और उर्वरक के क्या थे, तो ये राज्य मंत्री थे, यानी एक कैबिनेट मंत्री होता और कैबिनेट मंत्री के नीचे फिर क्या होता है, राज्य मंत्री। तो ये राज्य मंत्री भी 16वीं लोकसभा यानी पिछली लोकसभा में ये रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भी रहे। इसके अलावा ये होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री भी, संघीय राज्य मंत्री भी रह चुके। तो ये तो बेसिक जानकारी हुई किसके बारे में, यानी ये जो आपका अहिर साहब थे जो अध्यक्ष बने हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन देने के लिए या इनका आरक्षण देने के लिए, क्योंकि ये भी समाज का एक पिछड़ा वर्ग था, तो इसी के लिए प्रयास, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो इसके लिए प्रयास तभी से होना शुरू हुआ। अगर हम पीछे ऐतिहासिक बैकग्राउंड में जाते हैं तो सबसे पहले यानी पिछड़े वर्गों का आकलन करने के लिए कि क्या इन्हें वास्तव में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, विशेष इनके लिए प्रोविजन किए जाने की जरूरत है, तो इसके लिए सबसे पहले 1953 में किसकी अध्यक्षता में, काका कलेलकर 1953 में काका कलेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसे पहला ओबीसी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा यही पता लगाना था कि ऐसे कौन से जाति या समुदाय या वर्ग हैं जिसको ओबीसी में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए और उसे रिजर्वेशन दिए जाने की यानी प्रयास किया जाए। लेकिन वही राजनीति चल रही थी जिसकी जो सिफारिशें आई वो लागू नहीं हो पाती। आगे चल करके यानी 1979 में एक और आयोग बनता है जिसे दूसरा ओबीसी आयोग या इसी को मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता। तो ये बीपी मंडल किसकी अध्यक्षता में, बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक दूसरा आयोग बना, तो ये सेकंड ओबीसी आयोग था। कौन सा, 1979 में, 1979 में एक दूसरा ओबीसी आयोग का गठन किया जाता है। तो दूसरा ओबीसी आयोग का गठन भी हो चुका, उसकी भी सिफारिशें आती है, लेकिन उस दौरान क्या हो जाती है, फिर सत्ता परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जब बना तो किसकी, मोरार देसाई जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की एक बार फिर से वापसी होती है और ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। यानी कुल मिलाकर के अभी ये आरक्षण वाला कोई प्रावधान लागू नहीं हो पाता। फिर अंततः प्रयास किसके द्वारा किया जाता है, आगे चल करके यानी किसकी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है और उसी के बाद 1990 के दशक में इसी ओबीसी जो ये आपका सेकेंड बीपी मंडल कमीशन बना था इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो ये आपका एक केस ध्यान रखिएगा, इसी केस को किस नाम से जाना जाता, इंदिरा साहिनीवाद किस नाम से जाना जाता, इंदिरा साहिनीवाद, ये 1992 का है। इंदिरा साहिनीवाद के यानी साहिनीवाद में जो आरक्षण दिया गया था ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन, किसका 27% का रिजर्वेशन, यानी कौन, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा, किसका, तो ये 27% जो ओबीसी आरक्षण दिया गया था इसको चैलेंज किया गया था। इसमें जो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहता, तो इसको संवैधानिक मानती है और इसको कहती है कि इसके लिए ओबीसी के उत्थान के लिए कौन सी जातियों को 27% में शामिल किया जाए और कौन किसको हटाया जाए, इसके लिए एक संवैधानिक आयोग सरकार को गठित किया जाए, यानी किया करना चाहिए। तो ये 92 का है, तो जाहिर सी बात है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास स्थापित होगा तो 1992 के पहले नहीं होगा, उसके बाद होगा। तो ये इसीलिए आप देखोगे यहां पर आपका लिखा भी है कि जो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास अधिनियम एक्ट कब का, 1993 का ये है, और इसी 1993
के अंतर्गत इसे 2 अप्रैल 1993 कब, तो मूल रूप से जो ओबीसी आयोग बना जिसे एनसीबीसी के नाम से जाना जाता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के नाम से जाना जाता, तो ये 2 अप्रैल 1993 में इसकी स्थापना की जाती है, इसकी स्थापना की जाती। लेकिन ये बात क्या है, बात है कि इसमें इसकी स्थापना हो चुकी लेकिन इसमें कई बार क्या किया गया है, समय समय पर संशोधन किया गया। लास्ट जो संशोधन हुआ ये 8वां संशोधन था, ये भी पूछा जाए कौन सा संशोधन था जो अभी संवैधानिक दर्जा दे दिया। असल में इसे संसद के अधिनियम से बना था, तो जो 1993 में आयोग बना था एक प्रकार का स्टैट्यूटरी कमीशन था, जिसे किस नाम से जाना जाता, यानी सांविधिक आयोग के नाम से जाना जाता है, यानी संविधान में इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। जैसे का जैसे इसके पहले यानी नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, इनको संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका था। जब संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता तो इनके पास शक्तियां भी कम होती हैं और कार्य करने का इनका जो एरिया होता वो भी डिफाइन नहीं होता। सरकार के निर्देशन पर, सरकार के डायरेक्शन पर आपको कार्य करना होता है, यानी आप इसमें आयोग को। तो ये आपका जो 8 बार इसमें संशोधन हुआ, और लास्ट 2017 की बात है, 2017 1-2-3 कौन सा 1-2-3, तो 2017 में 1-2-3 यानी 123वां ये बिल है, विधेयक है। तो दोनों क्वेश्चन आपके पूछा जाए कि कौन सा बिल और कौन सा अधिनियम। तो बिल होता है लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा पारित, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो जो विधेयक था वो किसका शक्ल ले लेता, अधिनियम का शक्ल ले लेता है, अधिनियम में परिवर्तित हो जाता। तो ये इसीलिए कई बार क्या होते, कई बिल पास नहीं हो पाते, वो लैप्स कर जाते हैं, तो बिल की संख्या ज्यादा होती उसकी बनस्पत यानी अधिनियम की संख्या कम होती है। तो ये 1-2-3 नंबर का विधेयक यानी पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता, ये लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, और देने के बाद फिर ये कौन सा अधिनियम बना, तो ये 102 संविधान संशोधन बनता है, और ये 2018 कब, 2018 में ये राष्ट्रपति, अगस्त 2018 की बात है, तो अगस्त 2018 में राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, और इस प्रकार यह यहां पर डेट लिखिए 14-8-2018 कब राष्ट्रपति अपनी सहमति दिए थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना भले ये आपका कब 2 अप्रैल को हुई थी, लेकिन ये 14 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते, और इस प्रकार संविधान में एक नया अनुच्छेद शामिल होता है 338 338B। आप कहेंगे 338A में क्यों नहीं रखा गया, ध्यान दीजिएगा 338 में एससी कमीशन है, 338A में कौन सा कमीशन है, एसटी कमीशन है, तो 338B में इसको क्या किया गया, यानी इसको रखा जाता है। इस प्रकार ओबीसी आयोग को क्या संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता। अब ये अब ओबीसी आयोग का गठन हुआ तो आपके मन में भी ये प्रश्न चल रहा होगा कि ओबीसी आयोग के संबंध में ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया, इतना सब हुआ, तो ये क्या कहीं संविधान में कोई आर्टिकल कहीं पर लिखा हुआ था ऐसा करने के लिए, तो जी हाँ एक आर्टिकल है 340, कौन सा आर्टिकल है 340, अनुच्छेद 340 में साफ साफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है या उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है कि उनके द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा जो सामाजिक एवं शैक्षणिक, यहां ध्यान दीजिएगा आर्थिक नहीं, आर्थिक आधार नहीं बताया गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज की पहचान करेंगे, यानी उसके परीक्षण के लिए कि समाज का कौन सा वर्ग है जो सोशली सामाजिक रूप से एजुकेशनली शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है, तो इसका इसी आर्टिकल 340 के अंतर्गत किसको ये पावर मिली हुई है, तो महामहिम भारत के राष्ट्रपति। तो ये जो गठन किया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज 1993 में, और कब तो कितना 2 अप्रैल 1993 में, वो इसी आर्टिकल राष्ट्रपति का जो आपको पावर दी गई अनुच्छेद 340 उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया है, इसका गठन किया गया है। अब एक चीज और इसमें एक आर्टिकल और हम आगे इस्तेमाल करेंगे, अभी उसकी हम बात करने वाले, इसके बाद जस्ट बात करने वाले हैं। अब ये आपका संवैधानिक आयोग
कौन से संविधान संशोधन से बनता है, तो आपको पता 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिरकार ये काम क्या करता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो 1993 में स्थापित हुआ और 2018 के बाद इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो आखिर क्यों संवैधानिक दर्जा दिया गया, क्या जरूरत हुई, जैसे चल रहा था वैसे चलने दिया जाना चाहिए था, इसे स्वतंत्र अस्तित्व क्यों दिया गया, ये कई प्रश्न आपके मन में कौंधने चाहिए। अगर ये प्रश्न उठ रहे हैं तो इसी का जवाब हम आगे अभी पाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में जो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था, तो ये आपका है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल यानी अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत जो ये नेशनल कमीशन, कौन सा नेशनल कमीशन, अनुच्छेद कौन हो गया 338, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल यानी अनुच्छेद 338 में इसके यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया था, तो यह रखा गया था एससी कमीशन यानी अनुसूचित जाति आयोग के अंतर्गत ये ओबीसी आयोग था, और उसके द्वारा क्या किया जाता था, उसके द्वारा यहाँ भारत में कौन सी ओबीसी में आएगी कौन सी नहीं, उसके द्वारा डायरेक्शन, उसके द्वारा निरीक्षण, एग्जामिन, ये सब काम किए जाते थे। तो कई बार क्या होता है, प्री जुडिस होके भी उस पर आरोप लगे कि वो सही से काम नहीं कर पा रहा या समय से उसका जो असेसमेंट है वो भी नहीं हो पाता है, तो ये सारी समस्याएं, क्योंकि दो दो जिम्मेदारी जब अपने एससी और साथ में ओबीसी दोनों की मिल गई तो दिक्कत तो होना ही है, तो इसीलिए फिर क्या प्रयास किया जाता है। अब ये 2018 में इसका क्यों ये परिवर्तन किया गया, क्यों संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगर इसके हम संरचना की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो संरचना में इसमें क्या, इसकी क्या है, बहुसदस्यीय, ये क्या है, एक आयोग है, कितने सदस्य होते हैं, 5, जिनमें से एक इसका अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है इसका उपाध्यक्ष होता है, 2 हो गए और 3 अन्य मेंबर इसमें क्या किए जाते हैं यानी नियुक्त किए जाते हैं, जो सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, सचिव रैंक के 3 अन्य सदस्य इसमें नियुक्त किए जाते हैं, भारत सरकार का जो सेक्रेटरी का पद होता उसी के समतुल्य जो अन्य 3 मेंबर होते उनकी नियुक्ति की जाती, टोटल इसमें 5 मेंबर होते, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती। कार्यकाल की बात करें ये सब कितने, तो ये 3 साल, इसके अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष सदस्यों, अध्यक्ष उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों की वेतन भत्ता ये कौन तय करता है, कितनी सैलरी क्या मिलेगी, तो महामहिम भारत के राष्ट्रपति को ये पावर दी गई कि उनके द्वारा तय किया जाता है, उनके द्वारा तय किया जाता, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, आगे हम बात करते हैं कि क्या इनके इनके फंक्शन और इनके पास नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज का कार्य क्या है, कौन कौन से इनकी जिम्मेदारी दी गई, क्या क्या कार्य दिए गए, ये भी हम क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता, कंसीडरेशन, विचार करता है ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कम्युनिटीज नोटिफाइड एज बैकवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ जॉब रिजर्वेशन। आप कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, तो हम समझाने के लिए तो आपके सामने आए हुए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, यानी किस ध्यान से समझिएगा, यानी किसको, किस समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जाए, और शामिल किया जाना इंक्लूजन कहलाता है, और जो फर्जी तरीके से शामिल हो चुका है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाना एक्सक्लूजन कहलाता है। तो ओबीसी आयोग का ये काम है, इस पर ये शामिल नहीं करता, ये ध्यान से समझेगा, क्वेश्चन यही गलत होता, उस पर विचार करता है, और विचार करके फिर रिपोर्ट किसको सौंपता है, महामहिम भारत के राष्ट्रपति के पास सौंपता है, और फिर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा एक और इसमें यानी जो बदलाव किया गया, तो एक तो आर्टिकल 338 बी इसमें बदलाव किया गया, और एक नया यानी इसको आर्टिकल संविधान में शामिल किया गया, एक अनुच्छेद 342 कैपिटल ए को भी शामिल किया गया। 342 यहां जो अब ये पॉइंट लिखा, इसी से हम सीधे को रिलेट करने वाले हैं।
तो 342 ए एक अनुच्छेद नया शामिल किया गया और 338 भी शामिल किया गया, यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया तो नया आर्टिकल होगा ही होगा। तो कौन सा समुदाय ओबीसी में आएगा और कौन गलत तरीके से शामिल हो गया उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, यानी समावेशन व बहिष्करण। बहिष्करण का मतलब बाहर करना। तो ये आपका काम कौन है, इस पर विचार करता है कौन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो ये पहला काम है। अब इसमें मान लो विचार करने के बाद रिपोर्ट सौंपेगा तो कौन सा कौन जिम्मेदार है कि कौन सा समुदाय ओबीसी में शामिल किया जाए और किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये है महामहिम आर्टिकल 342 कैपिटल ए। ये किसको जिम्मेदारी देता है, तो ये राष्ट्रपति को। किसको, ये राष्ट्रपति। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर मिली है कि भारत का राष्ट्रपति तय करता है कि कौन सा समुदाय ओबीसी में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो ये महामहिम भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है। तो अब इसी पावर में अभी बदलाव किया गया, यानी एक और करंट वाला डेवलपमेंट हम इसमें देखें तो ये 342 के अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर मिली थी कि इसके द्वारा तय किया जाता था कि किसको ओबीसी में शामिल किया जाए किसको नहीं, अब क्या कर दिया गया, यानी केंद्र सरकार अभी तक केवल तय करती थी किसी राज्य विशेष में कि कौन ओबीसी में आएगा कौन सा नहीं, ये लिस्ट कौन जारी करती थी, यानी केंद्र सरकार। लेकिन इसके लिए 105वां ये करंट का लेटेस्ट से लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको यहां इंटर लिंक कर रहे हैं, 105वां संविधान संशोधन किया गया और 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो ये 342 ए है इसी में परिवर्तन किया गया और अब कह दिया गया कि राज्य सरकार भी, यानी केंद्र सरकार तो ये जारी करती ही थी, अब कहा गया राज्य सरकार, जो राज्य सरकार होगी राज्य सरकार के द्वारा भी अपनी, यानी ओबीसी लिस्ट यानी कौन समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जाए किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए ये तय कर सकती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो आपका 105वां यह भी ये सबसे लेटेस्ट यही संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, तो 105वां संविधान संशोधन का संबंध इसी 102 के साथ है, इस बात का भी आप बिल्कुल दिमाग में क्लियर कट रखिएगा। वर्तमान स्थिति यह है कि ओबीसी में कौन समुदाय आएगा कौन निकलेगा ये केंद्र सरकार के पास तो पावर है ही, साथ में राज्य सरकार को भी अथराइज कर दिया गया है कि वो भी अपनी ओबीसी लिस्ट जारी कर सकती है। बात समझ में आई। इसके अलावा इसके पास मान लो पावर, जब ये संविधान संशोधन किया गया तो पावर तो आएगी आएगी, कौन सी पावर है, सिविल कोर्ट की। इसके पास कौन, दीवानी न्यायालय का मतलब हुआ कि जरूरत हुई किसी भी व्यक्ति को समन जारी किया भेजा जा सकता है, किसी को भी कोई भी कार्यालय किसी भी मंत्रालय विभाग से कोई भी साक्ष्य मांगा जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को या संस्था के रिप्रेजेंटेटिव को अगर जरूरत हुई तो उसे उपस्थित होने के लिए भी कहा जा सकता और उससे पूछताछ भी कर की जा सकती। अगर इस प्रकार की किसी को पावर दे दी जाती है तो इसी को क्या कहा जाता, सिविल। तो सिविल कोर्ट के समान इससे पावर दी गई है, तो ये अच्छी बात है कि नहीं, तो ये अच्छी बात है। अगला है ग्रीवेंस, कोई शिकायत है, राइट्स अधिकार है, सेफ गार्ड रक्षा उपाय, अगर बैकवर्ड क्लास से संबंधित हैं तो हमने कहा कि 102वां संविधान संशोधन क्यों किया गया, क्योंकि इसके पहले ये काम कौन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा कोई भी ग्रीवेंस, आप शिकायत सीधे वहां आयोग में नहीं, ये आयोग कौन था, यानी इसके लिए ओबीसी के लिए अलग से आयोग नहीं था बल्कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाला जो आयोग था अनुसूचित जाति आयोग, उसी के द्वारा शिकायत का समाधान, अधिकारों संबंधित मुद्दा या फिर रक्षा उपाय से संबंधित क्या प्रगति की गई, ये सब काम देखता था। यही काम अब स्वतंत्र रूप से किसको सौंप दे दिया गया, तो 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर किसको, बैकवर्ड क्लास को सौंपा गया। अब ये जो बैकवर्ड क्लास है, अब इसके पास पावर आ गई कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो गठन किया गया, इसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता, मॉनिटरिंग की जाती है, कौन से मामले, सोशली एजुकेशनली, दो यहां ध्यान दीजिएगा, संविधान में कहीं पर भी एको नामकली शब्द यानी बैकवर्ड क्लास के लिए प्रयोग नहीं किया गया, तो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनसे संबंधित समस्त प्रकार के जो भी मुद्दे हैं उनमें क्या करना, उनका एग्जाम उसका मॉनिटरिंग करना और उसका इन्वेस्टिगेशन करना यानी जांच पड़ताल करना कि आखिरकार इसके लिए कौन से प्रयास और किए जाने की जरूरत है, कौन से कदम उठाए जाएं। इसके अलावा
जो सोशली बैकवर्ड क्लासेज हैं, यानी समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, इनका सामाजिक आर्थिक उत्थान हो, पैसा भी आ जाए इनके पास, यानी आत्मनिर्भरता भी आ जाए, समाज में इनका एक सम्मानजनक इनको क्या स्थान भी दिलाया जा सके, तो सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में सक्रिय रूप से इसके द्वारा सहभागिता निभाई जाएगी और समय समय पर सरकार को सलाह भी दी जाती है। तो ये इसका दूसरा काम हो गया। तीसरा, इसके द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है जो पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर, किसके पटल पे, तो पार्लियामेंट, संसद के पटल पर भारत का राष्ट्रपति, यहां भी ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा रखवाया जाता, भारत के राष्ट्रपति, अगर संबंधित कोई राज्य है, अगर कोई संबंधित राज्य है वहां से संबंधित कोई मुद्दा है, अगर संबंधित राज्य भी संलग्न है वो भी संबंधित कोई मुद्दा है, तो वहां की भी राज्य विधानमंडल, कहां ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानमंडल के पटल पर भी यह जो पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग है, इसकी जो रिपोर्ट है इसको रखवाया जाता है। सबसे लास्ट में इसका और काम क्या है, तो अब ये तो हो गए कि सलाह देने वाले काम, आप जब भी मैं इसमें लिखते हैं तो ऐसे आप सोच के लिखिए इसके सलाहकारी काम क्या है, इसके कल्याणकारी काम क्या है, तो ये आपने सलाह, सरकार को सलाह देना ये सब होगा, इन्वेस्टिगेशन करना, मॉनिटरिंग करना, लेकिन क्या ये सब करने का मकसद क्या होता है, मकसद होता है प्रोटेक्शन, संरक्षण देना, वेलफेयर, कल्याण करना, डेवलपमेंट, विकास करना, एडवांसमेंट यानी आगे बढ़ने के लिए मौका प्रदान करना। तो ये आपके जो आप प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट व एडवांसमेंट, और किसका, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, यानी सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रोन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनके संरक्षण के लिए इस आयोग के द्वारा काम किया जाएगा। तो ये इसका मकसद हो गया। अब इसका लाभ क्या होगा, ये आयोग आया है तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का महत्व क्या, महत्व पूछे मतलब लाभ बताना है, तो इसमें सामाजिक व शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको क्या होगा, न्याय, यानी अभी तक उनके साथ जो प्रताड़ना की गई, उनकी जो निगलेक्ट यानी उनकी अवहेलना की गई, उनके लिए भी अब सरकार क्या होगी, एक सतर्क रूप में एक्टिवली सक्रियता दिखाएगी और इनके द्वारा प्रयास, सरकार के द्वारा किसके लिए, जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनका क्या किया जाएगा, उनके जो मुद्दे हैं, इनके जो चिंताएं, कंसर्न हैं, इसको भी संबोधित किया जाएगा और इस प्रकार इनको सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस भी प्राप्त हो सकेगी। तो ये भी इससे फायदा होने वाला है। अगला इससे और क्या फायदा होगा, तो ये अब किसके समान बना दिया गया, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, जो राष्ट्रीय यानी जाति आयोग व राष्ट्रीय जनजाति आयोग था, उसके समान इसको समान पावर दे दी गई और अलग से एक आर्टिकल 338 भी आपने देखा इसको शामिल कर लिया गया। सबसे अच्छी बात, इससे महिला सशक्तिकरण भी होगा क्योंकि एक महिला सदस्यता की अनिवार्यता भी इसमें स्वीकार की गई है। इस प्रकार ये क्या होगा, सहायक होगा बैकवर्ड क्लास पीपुल, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको, उनके साथ जो एट्रोसिटी होती है, उनके साथ जो गलत बर्ताव होता है, इसको समाप्त करने में, उससे लड़ने में सहायक होगा और उन्हें क्या करेगा, जल्दी, यानी अभी तक बहुत समय लग जाता था, तो इन्हें त्वरित न्याय भी इसके माध्यम से, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के माध्यम से इन्हें न्याय प्रदान किया जा सकेगा। तो ये आपका, इससे महत्व इसका आपने जान लिया। अब इसकी प्रासंगिकता या महत्व आ जाए, तो जो पॉइंट हमने अभी बताया यही सारे पॉइंट आपको क्या है, धर के छापाना है। यहां तक क्लियर, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए और अच्छे से आप समझ भी चुके होंगे। अब चुनौतियां क्या है, तो चुनौतियां क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के समझ इतना सब अच्छा अच्छा है तो क्या ये वाकई में अच्छा है, क्या चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों की हम बात कर लेते हैं। एक तो राज्य, जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सरकार है, ये कहा गया 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कई सरकारें ऐसी हैं जहां पर 27% का रिजर्वेशन दिया ही नहीं गया। दूसरा, 100 एक सर्वे किया गया, 100 में से केवल 7 ऐसे टीचर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिले हैं जो हायर एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कहां ओबीसी एससी एसटी समुदाय से, सोचिए 100 में से 7, 27% रिजर्वेशन ओबीसी का देने के बावजूद और साथ में 15% एससी, 7.5% एसटी, उसके बावजूद 100 में से 7
कैंडिडेट किस के जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो किससे संबंधित हैं, ओबीसी एससी एसटी से। ये चिंता का विषय है कि अभी भी यानी इनका उत्थान या उनका सशक्तिकरण के लिए जो ये लाया गया था वो पूरी तरीके से क्या सक्सेस नहीं हो पाया। इसके अलावा ये तो हो गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, लेकिन जब हम कहाँ की बात करते हैं, यस यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में देखते हैं, तो ओबीसी एससी एसटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, ओबीसी का भी जो रिप्रेजेंटेटिव है या कोई भी जज नगण्य है, बहुत ना के बराबर इनकी संख्या देखी जाती है। दूसरा ये तो हो गया, अब सरकार के लिए पर चूंकि ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास अगर कोई सलाह भी देता है तो सरकार पर बाध्यकारी नहीं, सरकार चाहे तो माने चाहे तो ना माने, तो इसकी सिफारिशें क्या होती, सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो ये भी आपका इसमें क्या है, लूप होल्स है। अगला है कि इसके पास स्टाफ और फंडिंग की हमेशा कमी रहती है, समय पर पैसा नहीं मिल पाता, स्टाफ भी अंडर स्टाफ चलता है, और इसके बाद इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स बहुत अच्छे चलती, और इस प्रकार जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को भी सरकार के इशारों पर काम करना होता, और फिर कई बार सरकार के दबाव में जिन जातियों को नहीं भी शामिल किया जाना चाहिए उसे भी वोट बैंक राजनीति की वजह से उसे लिस्ट में शामिल करना पड़ता है। तो ये सब चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का वे फॉरवर्ड क्या है, तो जो चुनौतियां हैं यानी किसी भी कीमत पर क्या नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति की बजाय वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना चाहिए राजनेताओं को। और वाकई में जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको जरूर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो ये पहले से पिछड़े हैं और पिछड़ते चले जाएंगे, जिससे समाज में जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो पटने की बजाय और बढ़ती चली जाएगी। और इस प्रकार समावेशन, सामाजिक समावेशन और सामाजिक न्याय कि जो सरकार प्रयास लगातार कर रही है, और किसी भी समावेशी विकास के लिए ये क्या होते हैं, फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं, वो भी क्या होगा, बाधित होता रहेगा। तो ये सब वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं, अंत में एक अच्छा सा कंक्लूजन। कुल मिलाकर के आज एक टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, यानी रैपिड फायर की तरह होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, लेकिन एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनका इस्तेमाल हम ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए यूपीएससी में और साथ में अदर स्टेट पीसेस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में भी जब हमको एग्जांपल दे रहे होते हैं तो वहां पर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए इसमें अभी क्या मनाया गया, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी, वही है दिव्यांगता के लिए, जो ग्रस्त दिव्यांगता जन्य जो दिव्यांग जन है उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक क्या दिवस मनाया जाता है, ये कब, 3 दिसंबर को मनाया गया, और भारत में ये किसके द्वारा, तो इस समय महामहिम कौन है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये चीफ गेस्ट थी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और किसके द्वारा, तो अभी दिव्यांग जन वहां भी आया यहां भी, अब एक साथ को रिलेट कर सकते हो, जाहिर सी बात है वही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यानी ये आयोजन मनाया, ये दिवस मनाया गया है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं कि क्या इनके लिए जो दिव्यांग जन है, अब पहला वाला टॉपिक को यहां वाला एक में मिला दीजिए, आपका क्या पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो भारत में सरकार के द्वारा समय समय पर क्या किए गए, अधिनियम पारित किए गए हैं। सबसे पहले पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट कब आता है, 1995, और 7 ऐसे एरिया हैं जो आइडेंटिफाई किए जाते जो डिसएबिलिटी यानी विकलांगता या दिव्यांगता को दर्शाते थे, लेकिन 2016 में इनका क्या किया जाता यानी संशोधन किया जाता, इसी पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट, पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट जो 1995 था उसमें संशोधन करके 2016 में एक नया अधिनियम यानी लाया गया, जिसे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी यानी विद पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट तो पहले से था, ये राइट्स इनके अधिकारों की बात की गई, इनके अधिकारों के रूप में माना गया कि इनको क्या अधिकार, और इस अधिनियम में जो 7 संख्या थी पहले किस
इसकी दिव्यांगता की, वो बढ़ा करके 21 कर दिया गया। और इनका रिजर्वेशन भी क्या, यानी 3% रिजर्वेशन भी, यानी देने आरक्षण देने की भी बात को स्वीकार किया गया। तो ये परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा दिव्यांग जन के लिए भारत सरकार बताइएगा सुगम्य भारत, मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, सुगम भारत अभियान भी लेके आई। अब आपको बताना है कि सुगम्य भारत अभियान ये जो लाया गया, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो दिव्यांग जन है इनके लिए लाया गया, ये कब लाया गया, ये सन में बताना है, ये सुगम्य भारत अभियान कब का है, उसका उद्देश्य समझ चुके होंगे। इन्हीं जो दिव्यांग जन है इनका सशक्तिकरण, इनका विकास और इनका उत्थान करना प्रमुख उद्देश्य है। तो यहां तक आपकी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर जो इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो ये 2022 की थीम क्या है, तो ये लंबी सी थीम लिखी, इसको देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास के लिए रूपांतरणकारी समाधान, द रोल ऑफ इनोवेशन, नवाचार की भूमिका इन द फ्यूलिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड, यानी एक समतामूलक विश्व बनाया जाए और जिसमें समावेशी विकास हो सके, यानी कोई भी दिव्यांग या विकलांग जन इससे उसको अवहेलना का शिकार ना होना पड़े। तो ये ध्यान 2022 की थीम भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगले इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन में चूँकि आपके पेपर में कोई ना कोई संस्था जरूर चर्चा पर चर्चा में रहती है और वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट जो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में हमेशा चर्चा में बनी रहती है वहाँ से इसको कलेक्ट किया। और यहाँ पर हम याद करने की कोशिश करेंगे और कुछ कुछ ट्रिक लॉजिक भी समझेंगे, कुछ कुछ ट्रिक या लॉजिक को भी शामिल करते हुए चीज़ों को समझेंगे। तो इसमें पहला कौन है, नेशनल, ध्यान दीजिएगा कौन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा तंत्र के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी। अब याद कैसे करोगे, क्योंकि एक है वायरोलॉजी, विषाणु, विषाणु से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान, और एक है कौन है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। दिल्ली में आप, दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर राजधानी है और दिल्ली में जो भी रहने जाएगा उसका प्रतिरक्षा तंत्र चौपट, यानी वो क्या हो जाता, खराब। तो इससे आपका क्या हो गया, याद हो गया कौन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी पूछा जाए तो ये कहाँ स्थित है, दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है, कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और दूसरा कौन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूछा जाए तो वायरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूछा जाए तो वायरोलॉजी कहाँ है, तो वायरोलॉजी हमने क्या बताया, महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र के पुणे में है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग, वायरस से संबंधित अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में है, लेकिन इम्यूनोलॉजी वाला पूछे तो आप क्या कहेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा आप इम्यूनोलॉजी, ये कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो ये दो याद हो गए, अब गलती मत करिएगा। अगला हम नेशनल एग्री फूड, एग्री फूड का मतलब कृषि से संबंधित जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उससे संबंधित जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, मोहाली। और ये मोहाली कहाँ, पंजाब में, कहाँ है, मोहाली पंजाब में, मोहाली पंजाब में। तो नेशनल एग्री फूड, आप देखेंगे हरित क्रांति हुई तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा कौन, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने उठाया। तो जाहिर सी बात है वहीं पर जो एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा मैकेनाइज्ड तरीके से, यांत्रिक तरीके से जो खेती होती है वो कहाँ होती है, ये होती है पंजाब में। तो इसलिए पंजाब में ही होगा नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल एग्री फूड, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट पूछे तो ये मोहाली पंजाब में है। अगला आपका पूछा जा सकता है, ये ध्यान से समझिएगा, ट्रांसनेशनल, कौन सा, ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट पूछे तो यही हरियाणा फरीदाबाद में स्थित है। कौन, हेल्थ साइंस से संबंधित, क्योंकि आप देखोगे जितने भी कुश्ती पहलवान होते हैं ये कहाँ के, यानी कुश्ती या पहलवानी करने के लिए जितने भी आप देखते हो वो सब
हरियाणा के हैं, तो वहाँ के लोग क्या हैं, अपने हेल्थ को लेकर सतर्क रहते, इसीलिए उनका यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती से लेकर के पहलवानी में वो अच्छा कर पाते हैं। तो इससे आपका दिमाग में आ जाएगा हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट पूछे तो फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित किया गया। तो ये आपके आपको याद करवा दिया, ऐसे कहानी से जब याद करोगे तो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। अगला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन जानवरों वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी अगर एनिमल लगा दिया जाए तो ये कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद। कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में क्या है, स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी पूछे तो हैदराबाद है। अगला आते हैं तो अगला इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, यानी स्टेम सेल साइंस और रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है ये बेंगलुरु कर्नाटक है। कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक है। कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक है। अगला अगर पूछा जाए कौन, लाइफ साइंस, लाइफ जीवन, जीवन से संबंधित जो विज्ञान होता है उसे लाइफ साइंस बोलते हैं। तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस से कहाँ है, यानी भुवनेश्वर। तो लाइफ जीवन आप जीने के लिए कहाँ, भुवन में रहते हो, कहाँ जीवन आप अपना जीवन करने के लिए आप भुवन माने होता घर, भुवन माने क्या होता घर, कहाँ आप कहाँ रहते हो, घर में। तो ये आपका कौन हो जाए, जैसे लाइफ आए यानी भुवन भवन में रहते हो तो भुवन भवन से भुवनेश्वर उड़ीसा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर उड़ीसा है। अगला नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ब्रेन दिमाग की दही किसकी बनेगी, जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करेगा तो उसकी दिमाग की दही बनती है। और दिमाग की दही बनने के लिए आपको कहाँ, मानसरोवर की यात्रा करनी चाहिए। कहाँ की यात्रा करनी चाहिए, मानसरोवर देखोगे तो दिमाग पर जो दही बना है दिमाग पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ, मानसरोवर से मानेसर। और ये मानेसर कहाँ है, तो ये मानेसर है हरियाणा में। मानेसर कहाँ है, हरियाणा में है। अगला है सेंटर फॉर डीएनए, ये काफ़ी चर्चा में रहता, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जो आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उसमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का ही इस्तेमाल किया गया है। एंड डायग्नोस्टिक, ये कहाँ, ये हैदराबाद में है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कहाँ है, हैदराबाद में इंपॉर्टेंट है। अगला नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्लांट जीनोम रिसर्च, यानी प्लांट जो पौधे होते हैं उनका जीनोम रिसर्च करने के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है ये कहाँ है, जीनोम रिसर्च, ध्यान दीजिएगा। तो जीनोम रिसर्च, जो प्लांट जीनोम रिसर्च है ये कहाँ, नई दिल्ली। कहाँ है, नई दिल्ली है, तो ये कहाँ है, नई दिल्ली, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जैव संसाधनों समावेशी विकास के लिए संस्थान पूछा जाए तो ये कहाँ है, तो समावेशी विकास, हरा भरा आपको देखना हो पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट की यात्रा कर लीजिए और वहाँ पर मणिपुर चले जाइए। मणिपुर में एक शहर है इम्फाल, कौन है, इम्फाल। तो ये आपका समावेशी विकास यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ स्थापित किया गया, ये इम्फाल में स्थापित है। अगला नेशनल ब्रेन रिसर्च, ये तो हो चुका पीछे, यानी ब्रेन का जब दिमाग का दही बने तो मानसरोवर की यात्रा आपको करनी चाहिए। और मानसरोवर का मतलब मानेसर, मानेसर कहाँ, हरियाणा में है। अगला नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेल साइंस, सेल साइंस अगर पूछा जाए तो ये आपका कौन हो गया, सेल साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल साइंस। आप सेल साइंस और साथ में एक आपका बताए थे वायरोलॉजी, दोनों को कोरिलेट करिए। जो ये वायरोलॉजी वायरस से बनते हैं, सेल साइंस का ही उसमें बहुत डिटेल अध्ययन करना होता है। तो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस हो या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कौन सा हो, वायरोलॉजी हो, तो ये दोनों कहाँ है, ये आपका सेंटर है, वो इंस्टीट्यूट है। तो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दोनों पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सबसे लास्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो मेडिकल जीनोमिक्स, एक कहाँ है, कल्याणी। ये कहाँ है, कल्याणी। और कल्याणी कहाँ, ये आप बताइएगा, क्या ये महाराष्ट्र या कर्नाटक में है। अगला ये एक और आपका टेक्नोलॉजी है, पीआईबी में चर्चा में बनी हुई थी, जिसे क्या कहा गया, पावरलेस हीटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, पावरलेस
पावरलेस का मतलब हुआ आपको बिजली, बहुत सारे क्या होते हैं पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, हिली एरिया होते हैं जहां पर बिजली पैदा करना मुश्किल होता। पूर्वोत्तर भारत ले लीजिए, हिमालयन रेंज ले लीजिए, यहाँ पर अगर बिजली की बात किया जाए पावर जनरेशन की तो बहुत सारी समस्या होती। इसी को लेकर के यानी यहाँ पर जो सैनिक होते हैं खासकर डिफेंस से रिलेटेड, वहाँ पर बेचारे उनको क्या है खाना बनाने या कुछ भूख लगा तो कुछ भी, वहाँ पर बिजली की समस्या पावर जनरेशन प्रमुख चुनौती होती है। तो बिल्कुल बहुत हल्का सा एक क्या किया यंत्र विकसित किया गया और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है ये पावरलेस हीटिंग टेक्नोलॉजी, यानी बिजली भी प्रयोग नहीं की जाएगी, पावर का भी प्रयोग नहीं, ऊर्जा का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा और साथ में ऊर्जा यानी बन भी जाएगी। और ये जो किस सिद्धांत पर, रासायनिक सिद्धांत केमिकल यानी एनर्जी के सिद्धांत पर, रासायनिक ऊर्जा के सिद्धांत पर ये काम करती है। और इसे विकसित किसने किया तो ये विकसित किया है डॉक्टर समर सिंह। किसके द्वारा? डॉक्टर समर सिंह के द्वारा इसका विकास किया गया है। अब इसका विकास किया गया तो ये कहाँ के हैं, क्या हैं, तो ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के क्या हैं यानी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कौन? डॉक्टर समर सिंह। और इसमें जो मौका दिया हर तरीके की वो कौन? नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, इसके द्वारा पूरा मौका दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये पूछा जा सकता। तो आप जैसा कि आप सुनते हैं, क्या सुनते हैं, जानते भी हैं कि हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों से मिलकर क्या बना है, जिन्हें सार्वभूत तत्व के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। एक और आपने ये दोहा या ये कहते हुए सुना होगा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पंच तत्व से मिलकर बना शरीरा। तो ये जो आपकी है कि क्षिति जल, क्षिति अगर यहां हम लिखने की बात करें तो ये क्षिति हो गया जल, क्षिति जल, क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक गगन, क्षिति जल पावक गगन समीरा, समीरा। तो ये कौन होगा? क्षिति माने क्या हो, क्षिति जल पावक, क्षिति, क्षिति माने होती क्या? पृथ्वी, क्षिति माने पृथ्वी, जल आप जान ही गए, पावक माने क्या होता? आग, पावक माने आग, और गगन माने क्या होता है? आकाश, गगन माने क्या होता? आकाश, और समीर माने क्या होती? हवा। तो जो ये पांच, हवा या इसको क्या लिख लीजिए वायु, पंच तत्व, इन्हीं को क्या कहा जाता? पंच तत्व, यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पंच तत्व से मिलकर बना शरीरा। तो ये जो हमारा ये पंच तत्व है, इसी पर अब नेशनल स्तर पे एक यूथ कॉन्फ्रेंस, इनमें से जो वायु वाला, वायु, वायु को ध्यान में रखते हुए, यानी जो जीवन के लिए क्या जीवनदायिनी प्राणदायिनी जिसे कहा जाता, तो जीवनदायिनी प्राणदायिनी वायु को लेकर के एक जागरूकता लोगों में आए और एक जागरूकता आए और लोग इससे क्या है यानी चीजें जान पाए, इसी के लिए एक क्या किया गया नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वायु इसके पहले एक और आपका आयोजन हो चुका, वो आप बताइएगा वो कहाँ पर हुआ, और ये दूसरा वायु पे हुआ है। तो ये आपका वायु, और वा से उड़ीसा, वायु उड़ीसा, वायु कहाँ उड़ी? उड़ीसा में। वायु उड़ती है, चलती है, उड़ने का मतलब चलती है, तो वायु कहाँ उड़ी? उड़ीसा में। तो वायु से संबंधित जो ये नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया ये उड़ीसा में, और इसका संबोधन कौन किए हैं? तो इसका श्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए और यहाँ पर संबोधन किया गया है। अगला ये चर्चा में फिर बना हुआ था, एपीआईबी में ही चर्चा में बना हुआ है, तो कौन है? सृजन पोर्टल। सृजन पोर्टल, सृजन पोर्टल का मतलब क्या हुआ? तो ये सृजन पोर्टल है क्या? तो ये सृजन यानी कौन सा, ये पूछा जा सकता, ये कौन सा पोर्टल है? तो ये आपके सामने है सृजन पोर्टल। तो सृजन पोर्टल पहला यही होता कि लॉन्च कब किया गया, तो ये अभी जल्दी लाया गया इसलिए इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त 2020 को। कब ये लॉन्च किया गया? 14 फरवरी नहीं, यहाँ पर कोई यहाँ वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना है, यहाँ पर सृजन का मतलब क्या हुआ? नई चीजें क्या है सृजित होंगी, और सृजित कैसे होंगी? जब आपका क्या होगा, भारत अपना क्या करेगा यानी आत्मनिर्भर बनेगा रक्षा के क्षेत्र में, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चल रहा उसी की दिशा में इसे लॉन्च किया गया है। और इसमें जो देशीकरण, अपनी स्वदेशीकरण, अपनी खुद की क्या हो यानी टेक्नोलॉजी हो हमारे पास रक्षा के क्षेत्र में उसके लिए, और हम सेल्फ रिलायबल हो
पाएं, आत्मनिर्भर हो पाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए 14 अगस्त 2020 को एक पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन? सृजन पोर्टल। अब मिनिस्ट्री अपने आप आपको पता चल चुकी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, रक्षा के क्षेत्र में कौन सा आत्मनिर्भरता हासिल करना, वो भी कैसे। तो ये आत्मनिर्भरता कब आएगी, इंडिजनाइजेशन, इंडिजनाइजेशन स्वदेशीकरण से क्या आएगी, आत्मनिर्भरता। इस प्रकार यह सृजन पोर्टल वन शॉप वन स्टॉप शॉप है, एक स्टॉप का मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और आपको हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ये ऑनलाइन पोर्टल दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द वेंडर्स, जो वेंडर्स को क्या करता, मौका प्रदान करता है टू टेक अप आइटम्स दैट कैन बी टेकन अप फॉर द इंडिजनाइजेशन, जो स्वदेशीकरण के लिए क्या है, स्वदेशीकरण के लिए जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है उनका वेंडर्स को ये मौका देता है, ये एक प्लेटफॉर्म पर वो आवे और अपना यहां पर जो उनके पास उत्पाद हैं उनको मुहैया कराएं। इस प्रकार इसमें जो इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनको भी क्या करेगा, हेल्प करेगा और प्राइवेट सेक्टर भी सामने आ सकेगा और भारत में जो रक्षा क्षेत्र है उसमें अपना यानी विकास, देश के विकास में रक्षा के क्षेत्र में अपना भी योगदान दे सकेगा। तो ये आपका कौन था, सृजन पोर्टल। सृजन पोर्टल भी क्लियर हो चुका, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगला हम इसमें देखते हैं, अगला ये भी इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है, स्वर धरोहर त्यौहार। स्वर धरोहर कौन सा है, ये स्वर धरोहर, स्वर धरोहर यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। स्वर धरोहर फेस्टिवल त्यौहार का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये नई दिल्ली में। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। अब वही है कि स्वर धरोहर का जो ये हुआ, धरोहर से पता है, धरोहर है, हेरिटेज की बात हो रही, विरासत धरोहर, तो कौन आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इसी में स्वर धरोहर फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृत मंत्रालय और स्वर धरोहर और फाउंडेशन, ये दो लोगों ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। इसमें क्या किया जाता, तो इसमें संगीत भी है, म्यूजिक भी है, आर्ट कला भी है और लिटरेचर यानी संगीत भी है, कला भी है, साहित्य भी है। तो ये संगीत कला साहित्य से संबंधित क्या एक प्रकार का त्यौहार है और इसमें क्या किया जाता है कि जो आइकॉनिक कला होती है, कल्चर होती है, इनको क्या किया जाता है, इसको प्रदर्शित करने का यानी इसको दिखाने की कोशिश की जाती है, जो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो कला यानी समृद्ध साहित्य कला विरासत को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो राज्यों की जो समृद्ध कला संस्कृत है उसी को दिखाने के लिए स्वर धरोहर फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृत मंत्रालय व यही स्वर धरोहर फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। तो ये आपका आज का था करंट अफेयर्स, जो हमने आपके सामने बहुत सारी जानकारी यानी आपको डिस्कस करने की कोशिश की। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स भी, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी देकर जाइए कि इसमें और क्या, करंट अफेयर्स में हम कुछ चीज़ें और सोच रहे हैं, क्या उसको शामिल कर सकते हैं, जैसे डेली एक स्कीम या कोई एक प्रोग्राम भी इंक्लूड कर सकते हैं। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, या फिर इंटरनेशनल स्तर पर जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या उनको शामिल किया जा सकता है। ये वीडियो यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में कल फिर सुबह मिलेंगे, लेकिन लाइव आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।